नमस्कार, आप सभी पशुपालक भाइयों को यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आज हम एक पशुपालक भाई के पास आए हुए हैं। उनके पास जो है चार पांच बछिया इन्होंने पाले हुए हैं। तो ये बछिया जो है करीब जो है 1.5 साल के आसपास का है। तो इन्होंने तो अच्छी तरह से पाला हुआ है, इनका जो है खान पान भी अच्छा है। तो अभी कोई सा भी जो है बछिया जो है इनका हेट में नहीं आया, लेकिन उम्र जो है करीब जो है 1.5 साल के ऊपर हो गया लगभग सबका, और वजन भी ठीक ठाक है। तो एक महीना पहले हम लोग आए थे इनके पास, तो इन्होंने जब हमें अप्रोच किया कि सब गाय को जो सब पशु को जो है हेट में लाना है और AI कराना है, तो फिर एक महीने पहले हमने इनको जो है एग्रीमिन फोर्ट चिलेटेड जो है मिनरल मिक्सर है वो हमने 1 किलो करके दिया था एक एक पशु के पीछे, और बोला था क्या बोलते इसको जो है 25-25 ग्राम सुबह 25 ग्राम शाम को 25 ग्राम जो है खिलाना है। उससे पहले उसी दिन शाम को इनको हमने पेट की कीड़ा मारने के लिए डीवॉर्मर दिया था। डीवॉर्मर का आपका जो है फैंटास 3 ग्राम का बोलास आया था, वो हमने इनको जो है दिया था, वो खिला दिया था इन्होंने। उसके बाद जो है एक महीना हो गया, इन्होंने जो है रोज़ सुबह 25 ग्राम और शाम को 25 ग्राम जो है मिनरल मिक्सर खिलाया है। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी हम इनको जो है GPG प्रोटोकॉल जो सा है वो GPG प्रोटोकॉल के तहत इनको जो है हम लिया है 5ों पशु। और इसमें आज 9 तारीख है, मई महीने का 9 तारीख है, सोमवार है, अभी लगभग 4 बज रहा है। तो अभी जो है GPG प्रोटोकॉल का जो सा पहला इंजेक्शन है GnRH रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जो है आपका गाइनेरिस या तो आपका रिसेप्टर लाता है, लेकिन हम जो है आज जो है गाइनेरिस लगाएंगे, इसमें जो है रिसेप्टर लगाएंगे। ये 10 ml का आता है, तो 5 ml जो है आज लगाएंगे हम इंटरमस्कुलर सब पशु में। उसके बाद जो है फिर हम जो है 16 तारीख को आएंगे, 16 तारीख मतलब अगले सोमवार को, क्योंकि पहला इंजेक्शन से दूसरा इंजेक्शन का गैप जो है 7 दिन का होता है। तो 16 तारीख को अगले सोमवार को फिर वही 4 बजे आएंगे, आके जो है दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे, वो क्लोप्रोस्टिनोल का प्रेग्मा या तो भेटमेट, हम प्रेग्मा लगाएंगे 2 ml इसी टाइम पे इंटरमस्कुलर। उसके बाद फिर 48 घंटा बाद 2 दिन बाद 18 तारीख को फिर हम आएंगे वहीं 4 बजे, आके जो सा ये रिसेप्टल का 5 ml बचा हुआ है, क्योंकि ये 10 ml का आता है, तो 5 ml ये भाई जो है इसको फ्रिज में रख देगा, फिर जो है उसी दिन आके फिर उसको जो है हम जो है 5 ml इंटरमस्कुलर जो है लगा देंगे रिसेप्टल का। उसका 16 से 18 घंटा बाद मतलब अगले दिन 19 तारीख को बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे से 2 बजे के अंदर इसको AI करना होगा। तो हम जो है सुबह करीब जो है 9 बजे के आसपास आएंगे, आके हमारा कैमरा AI गन से जो है पहले इसका जो है इंटरनल हम जो है चेक करेंगे अंदर का, उसके बाद जो है हम 500 पशु को जो है हमारा ABS शेख सीमेन का सहीवाल का जो सब सीमेन है तो वो वाला जो है इसमें हम डालेंगे। तो आज हम जैसे यहाँ पे आए हुए हैं आपको बताए हुए हैं उस हिसाब से अभी जो है हम जो है इनको सबको जो है पहला इंजेक्शन लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे हम लोग बता रहे हैं इसके बारे में। ये जो है 5 ml हमने लिया है, रिसेप्टर लिया है, अब इसमें जो है इंटरमस्कुलर लगेगा। मजबूत करके पकड़वा दे, बस ये जो है एक इंजेक्शन लग गया। अभी जो है दूसरा पशु में लगा रहे हैं, दूसरा पशु में भी पहला वाला इंजेक्शन लग गया।
कहीं भी करे ज्यादा दिक्कत होगी ना ज्यादा। ये जो है तीसरा पशु को भी लगा रहे हैं, देख लगा 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 ए ए खींच खींच सिंह पकड़ सिंह। तीसरा पशु का भी लग गया, चौथा बछिया को भी लगाएंगे। चौथा पशु को भी लग, अभी जो पांचवा पशु को भी लगाना है, तो अभी जो है 5 ml हमने ले लिया, रिसेप्टर 5 ml ले लिया। बस 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 बच्चों भी थमगी। अभी जो है 500 पशु को जो है 5 ml रिसेप्टर हमने जो है लगा दिया है पहले डोज। अभी जैसे आपको बताया आज 9 तारीख है, आज पहला डोज लग गया, फिर हम आएंगे 16 तारीख को, 16 तारीख को आके फिर यहीं 4 बजे के आसपास आके इसको जो है प्रेग्मा लगाएंगे, क्लोप्रोस्टिनोल 2 ml लगाएंगे। उसका फिर 2 दिन बाद हम लोग आएंगे 16 तारीख को, 16 तारीख को ही 4 बजे के आसपास आएंगे आके यहीं जो से रिसेप्टर हमने 5 ml बचाया था उसी 5 ml फिर जो है इनको लगाएंगे। तो तीसरा डोज फिर हमारा जो GPG प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले दिन फिर जो है 19 तारीख को हम आएंगे सुबह करीब 9 बजे के आसपास आके ये पांचों बछिया को जो है हम जो है फिर यही करा देंगे, नहीं करा देंगे। तो ये भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से ये वाला पशु रखा है, जैसे यहाँ करके फ्लोर भी देखिए कितना अच्छी तरह से रखा है, खोर भी अच्छा है। इधर जो है जैसे आपको जो है ऐसे करके वो खोल के रखता है, बांध के रखता है बाहर, तो यहाँ पे मिट्टी भी मिल जाता है इनको, तो मिट्टी में पशु आके पैदा भी है, तो घुटने उठने में जो से उनका दर्द है वो सब नहीं होता है। यही सब बताना था। तो भाई साहब आपका नाम क्या है बताइए? तारा चंद जी। हाँ, तो ये जो से पशु है इससे पाल रहे हैं आप? इसे तो हम गौ उनको तो हम कोई 7 साल से पाल। हाँ, तो आपके पास बड़ा नहीं है, सब जो है ये बछिया है? हाँ, बच्चा। हाँ, सब बच्चिया है ये। हाँ, तो अभी हिट में नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं, अभी कोई हिट में नहीं है। हाँ, तो ठीक है, अभी जो सा हमने प्रोटोकॉल में लिया है। हाँ, तो इसमें तो है सब गाय को। पहले दिन हमने आपको क्या दिया था? 1 किलो की दवा ही। हाँ, और 1 किलो के 5 किलो मिलने मिर्चल पाउडर। हाँ, वो के, 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 खिला रहे हैं? 25 ग्राम सुबह फिर सुबह शाम इनके दिया जा रहा। अब कीड़ा मरने वाला दवाई कब दिया? वो एक करीब 20-25 दिन पहले। हाँ, तो ये जो सा पशु है, पशु में जो है गाभिन करने से पहले ये चीज़ पशुपालक भाई को जो है मतलब गाठ मतलब दिमाग में रखना चाहिए, गाठ के बांध लेना चाहिए कि पशु को नई हड़ी कराने से पहले या ही करने से पहले पशु को जो है कीड़ा मारने का दवाई पहले देना चाहिए। उसके बाद इसको जो है जो सा हीट है और जो सा पेट में बच्चा वो रुक के रखेगा, मतलब प्रेगनेंसी जो सा वो मतलब कंटिन्यू करेगा, उसके लिए शरीर में जो है मिनरल मिक्सर होना चाहिए। तो वो मिनरल मिक्सर जो है बाहर से हम जो इसीलिए देते हैं कि शरीर के अंदर उसका कमियां रहता ही रहता है। तो ये जो सा हमने प्रोग्राम में लिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है 500 का 500 जो है गाभिन ठहराने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।